हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉका इन्वेस्टमेंट। मैं हूं आपका होस्ट सुमित अग्रवाल। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और ये टॉपिक हमारे एक इंटरेस्टिंग प्लान टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि जब हम एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं तो हमारे पास काफी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि क्या हम रेगुलर प्रीमियम पे करें, क्या हम लिमिटेड प्रीमियम पे करें, या हम सिंगल प्रीमियम। तब आपके पास कंपनी ने इतनी ऑप्शन दे रखी है कि अगर आपके पास पैसा है, आप चाहें तो आप एक ही बार पैसा दीजिए और थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पॉलिसी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपका जो रिस्क कवर है वो बना रहेगा। अगर आप लिमिटेड पे लेना चाहते हैं, लिमिटेड पे का मतलब है कि अगर आप 5 साल, 10 साल या सिर्फ 15 साल या अपने 60 तक पे करना चाहते हैं पर कवरेज आप जो है वो 85 तक लेना चाहते हैं तो आप लिमिटेड पे भी दे सकते हैं। अगर आपने 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया उसका मतलब ये होगा कि भाई आप 5 साल तक हर साल जो है वो प्रीमियम देंगे और उसके बाद आपको आगे पैसा बनने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ पे रिस्क कवर बना रहेगा। जब तक आपकी टर्म है, यानी कि अगर आप 85 इयर्स तक आपने टर्म लिया है तो 85 इयर्स तक आपकी लाइफ इंश्योर्ड रहेगी और उसके बाद इंश्योरेंस खत्म हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि भाई क्या हम लिमिटेड यानी कि 5 साल 10 साल वाला प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लें या फिर हम रेगुलर पे लें, यानी कि मैं हर साल प्रीमियम दूंगा और मैं चाहूँ तो मंथली मोड पे भी दे सकता हूँ कि मैं हर महीने आपको कंपनी को प्रीमियम दूंगा। तो आज हम एक एक्सेल के थ्रू ये देखेंगे कि हमें हमारे लिए कौन सा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, यानी कि लिमिटेड पे या रेगुलर पे। तो चलिए अब मैं आपके साथ एक एक्सेल शेयर करूंगा और उस एक्सेल के माध्यम से हम आज देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सूटेबल। तो चलिए हमने यहाँ पे ये एक एक्सेल ओपन किया है। इस एक्सेल के अंदर एक टेबल है, अभी हम देखते हैं कि इस टेबल के अंदर क्या है। तो हमने क्या किया है, हमने एक टॉप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक्चुअल प्रीमियम उठाया है, यानी कि एक 30 इयर्स ओल्ड मेल, एक आदमी जो 30 साल का है, अगर वो 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेता है और वो 85 इयर्स तक का कवरेज लेता है तो उसका प्रीमियम कितना आएगा अगर वो सिंगल पे ऑप्शन ले या 5 पे ले या 10 पे ले या 30 पे ले या फिर वो रेगुलर पे ले। तो हमने यहाँ पे सारे ऑप्शंस का एक्चुअल प्रीमियम उठाया है। तो अभी हम देखते हैं, तो अगर वो रेगुलर पे लेता है यानी कि वो 30 साल का है और अगले 55 साल वो हर साल प्रीमियम देगा तो उसका सालाना 17,177 रुपए का प्रीमियम बैठता है। और अगर वो सिर्फ 30 साल देगा यानी कि वो 60 साल तक पे करेगा पर कवरेज 85 ईयर्स तक होगा तो उसका प्रीमियम 20,966 रुपए का है। अगर वो 10 साल तक के लिए पे करता है तो उसका प्रीमियम 46,919 आता है। 5 पे में वो हर साल 5 साल तक 92,925 रुपए देगा और अगर वो सिंगल पे लेता है यानी कि वो सिर्फ एक ही बार प्रीमियम देगा तो उसको पहले ही साल 3,46,649 रुपए देने होंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम जो एडिशनल प्रीमियम रेगुलर से ज्यादा देना है वो हमने यहाँ निकाल लिया। तो अगर 30 पे है तो वो 3,779 रुपए देगा एक्स्ट्रा, अगर वो 10 पे देता है तो वो रेगुलर प्रीमियम से अगले 10 साल तक 29,742 रुपए एक्स्ट्रा देगा। इसी तरह 5 पे में 75,748 और सिंगल पे में वो 3,29,472 रुपए रेगुलर प्रीमियम से एक्स्ट्रा देगा। अब एक इम्पॉर्टेंट सेइंग है दैट डोंट वर्क फॉर मनी बट पुट मनी टू वर्क। तो अगर हम इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करें यानी कि हम रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी लें जहां हम 17,177 रुपए दें और जो एडिशनल पैसा जो हमने लिमिटेड पे में देना था उसको अगर हम आगे इन्वेस्ट करें, तो अगर हम लेट्स से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वहां पे लगाएं और वो म्यूचुअल फंड हमारे को 10% का अगर CAGR दे यानी कि क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट दे तो हमारे पास कितना कॉर्पस आएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर उसने हर साल 75 अगर मैं 5 पे लेता हूँ तो उसने 75,748 रुपए अगले 5 साल के लिए दिए तो उसने हमारे को अगले 5 साल में 3,78,740 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। सिंगल पे में बट ऑब्वियस 3,29,000 रहेंगे क्योंकि वो एक ही बार प्रीमियम आया है और 10 पे में वो हमने 10 साल में 29,742 के रेट पे वो 2,97,420 रुपए हमारे को 10 साल में देगा और 30 पे में वो हमारे को 10 साल में 1,13,670 रुपए एक्स्ट्रा देगा। अब अगर हम इस पैसे को जो हर साल एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको अगर हम 10% के रिटर्न पे भी देखें तो हमारा कॉर्पस कितना बैठेगा। तो हमने यहाँ पे ये फ्यूचर वैल्यू निकाली है, सिंपल फॉर्मूला है आप देखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू
F2 मतलब कि हमारा रेट क्या है विच इज 10%, D7 यानी कि नंबर ऑफ इयर्स विच इज 30, उसके बाद C7 विच इज कि पेमेंट हर साल कितनी आएगी 3,779, और उसके बाद आता है फ्यूचर वैल्यू, वो जीरो है, और उसके बाद वन यानी कि हम बिगनिंग ऑफ द ईयर लेके पीरियड लेके चल रहे हैं। तो ये 113,000 रुपए जो हमें वो 10 साल में देगा, ये अगले 30 साल में हमारा जो कॉर्पस है वो 6,85,595 का हो जाएगा, यानी कि 5,71,925 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर यही हम सिंगल पे में चले तो सिंगल पे में एक ही साल में 10% पे हमें 32,947 रुपए मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कस्टमर जो एडिशनल सिंगल पे का पैसा था उसको अगर म्यूचुअल फंड में लगाए और वो 10% दे, तो अगले साल से रेगुलर प्रीमियम तो हमारे को प्रॉफिट से ही आ जाएगा। तो ये 3,29,000 रुपए 10% के रेट पे अगले फ्यूचर प्रीमियम्स को जो है वो टेक केयर कर लेंगे, यानी कि जो ये पैसा है यही पैसा हमारे आगे रेगुलर प्रीमियम्स को पे करेगा। तो अगर आप ये देखें, अब हम अगर 5 पे में आए, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। तो 5 पे में अगर हम देखें कि उसने हमारे को हर साल 75,748 रुपए दिए अगले 5 साल के लिए, और ये पैसा हमने यहाँ इंश्योरेंस में ना देके इस पैसे को हमने डाल दिया म्यूचुअल फंड में, तो ये हमारा कॉर्पस 5,08,000 का हो गया, यानी कि 1,29,954 रुपए का हमारे को वो प्रॉफिट देकर गया। तो ये तो हमने अभी तब देखा है जब हमने 10% लगाया है। अगर हमारे को 12% का CAGR आता है तो डेफिनेटली ये अमाउंट जो है ये प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो अब ये बड़ा क्लियर है यहाँ से कि अगर हम रेगुलर पे लें और इस रेगुलर पे में भी एनुअल प्रीमियम की बजाय अगर हम इसको मंथली करते हैं तो हमारे को बेनिफिट और ज्यादा होगा। तो अगर हम मंथली मोड पे रेगुलर पे लेते हैं तो हमारे को जो एडिशनल पैसा देना था वो नहीं देके उस पैसे को अगर हम म्यूचुअल फंड में लगाएं तो फाइनेंशियली वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अब हमने देखा, आई थिंक आपको ये क्लियर भी हो गया होगा कि फाइनेंशियली इट मेक्स मोर सेंस कि हम रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन लेके और वो भी मंथली मोड पे लेके, और बाकी पैसा जो एडिशनल पैसा हमें देना था उस पैसे को अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आगे ये पैसा ही हमारे को हमारे आगे के प्रीमियम कमा कर देगा। अभी कहना बड़ा आसान है कि भाई फाइनेंशियली लॉजिकली डेटा से हमें दिख रहा है यार ये तो मेक सेंस कि हम रेगुलर पे ही दें, पर प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली जो लोग होते हैं वो रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी तो ले लेते हैं परंतु वो जो एडिशनल प्रीमियम होता है उसको इन्वेस्ट नहीं करते। तो अगर आप एडिशनल प्रीमियम को इन्वेस्ट नहीं कर रहे और वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न नहीं दे रही तो रेगुलर प्रीमियम पे करने का बेनिफिट आपको रिटर्न नहीं हो पाएगा। तो अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं, आप फाइनेंशियली सेवी हैं और आप अपने पैसे को आगे यूज करके और उसी पैसे से आप अपने रेगुलर प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप रेगुलर पे तो लें पर उतना ही पैसा आप म्यूचुअल फंड में भी लगाएं ताकि फ्यूचर में वो आपके रेगुलर प्रीमियम के पेमेंट को अपने ही प्रॉफिट से पे कर सके। तो आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपको समझ आया होगा कि हमारे को लिमिटेड पे ऑप्शन लेना चाहिए या हमारे को रेगुलर पे ऑप्शन लेना चाहिए। तो आज हमने देखा कि हमारे को लिमिटेड पे ऑप्शन लेना है, सिंगल पे ऑप्शन लेना है या रेगुलर पे ऑप्शन लेना है। पर मैं यहाँ पे एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने डिसिप्लिन हैं। अगर हम सैलरीड क्लास हैं तो डेफिनेटली हमारी एक मंथली इनकम आती है और हम उस मंथली इनकम के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंसिस और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैटर करते हैं। पर अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मुझे ये पता है कि आज मेरे पास पैसे हैं, कल हो या ना हो, तो मुझे लगेगा कि यार अगर आज मेरे पास पैसे हैं तो मैं सिंगल प्रीमियम एक बार देके खत्म करता हूं ताकि मेरे को आगे लाइफ में दोबारा पेमेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या ये गलत है? बट आई विल नॉट से दैट इज रॉन्ग, बिकॉज द प्रायोरिटी ऑफ दैट पर्सन, उस आदमी की प्रायोरिटी ये है कि भाई वो इस पैसे से आगे के रिटर्न नहीं देख रहा, पर वो ये अपनी कन्वीनियंस देख रहा है और उसको ये पता है कि अगर आज उसके पास पैसे हैं और वो सिंगल पे में पॉलिसी ले लेता है तो उसको आगे पेमेंट देने की दिक्कत नहीं आएगी, तो वो लायबिलिटी फ्यूचर में उसको नहीं दिखेगी। और अगर वो रेगुलर पे
लेता है तो उसको हर साल पैसे देने हैं, और अगले साल हो सकता है बिजनेस ठीक ना चले और वो अगले साल प्रीमियम ना दे, तो लाइकलीहुड कि अगर उसने प्रीमियम पे नहीं किया तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम उस एडिशनल पैसे से और इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं या फिर हम अपनी कन्वीनियंस और अपना सेटिस्फेक्शन देखना चाहते हैं। और कन्वीनियंस और सेटिस्फेक्शन की कोई कीमत नहीं होती। अगर मेरे को कन्वीनियंस ज्यादा अच्छी लगती है या मैं लाइबिलिटी नहीं पालना चाहता एवरी ईयर, तो आई थिंक मेरे लिए जो है फिर वो सिंगल पे या लिमिटेड पे ऑप्शन ठीक होगा। पर अगर मैं फाइनेंशियली देखूं तो मेरे पास और भी एवेन्यूज अवेलेबल हैं जहां पे कि हम वो एडिशनल पैसे को डाल के और उससे हम इंटरेस्ट और आगे पैसा बना सकते हैं। तो आई थिंक आप अपने आप को देखिए और समझिए कि आप कहां फॉल करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप हर साल प्रीमियम पे कर सकते हैं और आप थोड़े फाइनेंशियल सेविंग है और एडिशनल प्रीमियम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप रेगुलर पे में जाइए। पर अगर आप बिजनेसमैन हैं या आपको लगता है कि नहीं, आपकी कन्वीनियंस जो है वो ज्यादा मैटर करती है, आपकी जो लाइबिलिटी है वो आप अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, तो डेफिनेटली देन आप सिंगल या लिमिटेड पे ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपको आगे मिलते रहें जो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और उनके बारे में बताएं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, आपका होस्ट सुमित सबरवाल, बाय।